हेलो गुड मॉर्निंग छात्रों, आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में आपको सेकंड पेपर बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर की सारी जो भी भाग थे उनको कंप्लीट करवा दिया है। जो बे और से भाग थे उनके क्वेश्चन आंसर सभी कम्प्लीट हो चुके हैं। अब हम ले चलते हैं आपको बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र। देखेंगे आप बीए फर्स्ट ईयर का प्रथम प्रश्न पत्र, विषय हिंदी साहित्य और पहला पाठ है हिंदी साहित्य का ढोला मारूंगा दोहा। का मतलब है बच्चों, ढोला का मतलब एक व्यक्ति का नाम है जिसको ढोला कहा गया है और मारूंगा दोहा, मारू मतलब मारवाड़ी के दोहे, दोहा का मतलब दोहे। तो मारवाड़ी और ढोला ये दो पात्र हैं। इन दोनों पात्रों की जो प्रेम कथा है राजस्थानी भाषा में, उस प्रेम कथा को ही दोहा बद्ध यानी दोहों के माध्यम से आपको बताया गया है। तो दोहों के माध्यम से इनकी पूरी प्रेम कथा आपको देखने को सुनने को मिल जाएगी। साथियों, इसमें जो है ना पाठ का नाम है ढोला मारूंगा दोहा। बच्चों, ये जो ढोला मारूंगा दोहा जो है राजस्थानी भाषा का एक लोकप्रिय प्रेमाख्यान है जो प्रेम तत्व से भरा हुआ है। बच्चों, इसमें ढोला और मारवाड़ी के प्रेमाख्यान का जो चित्रण है वो दोहों के माध्यम से किया गया है। दोहा मतलब दो लाइनों। बच्चों, दोहे का मतलब होता है जैसे कि इसकी विशेषता क्या है, इसमें जो भी दोहे दिए गए हैं वो सभी दोहों की जो टेक पद होता है पहली लाइन हर दोहे में सेम है, बिल्कुल सेम। जैसे कि ढाडी एक सदेशण है लग ढोले पहचान, ये मारवाड़ी में डिंगल भाषा में दिया गया है। तो इसको पढ़ने में थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, लेकिन इसका भावार्थ बहुत ही सुंदर निकलता है। दूसरी लाइन में इसका जो है ना दोहे की दो लाइनें होती हैं, उसी को दोहा कहा जाता है। साथियों, इसमें क्या है, पहली लाइन जो टेक पद कहलाती है वो बिल्कुल सेम है पूरे दोहों में, और दूसरी लाइन में अलग अलग मारवाड़ी के प्रेम तत्व से भरे हुए वो शब्द हैं जो ढोला ढाडियों के माध्यम से यानी ढाडी कहा गया है यात्रियों को, जो यात्री आने जाने वाले होते हैं ना उनको, तो उनके माध्यम से जो संदेश मारवाड़ी ढोला के पास पहुँचाना चाहती है उन सभी का जो चित्रण है साथियों वो दोहों के माध्यम से किया गया है। अब हम चलते हैं आगे, देखेंगे हम लेखक अज्ञात। हर किसी में लेखक होता है, चाहे हम कोई सा भी पाठ पढ़े, कोई सी भी कहानी उपन्यास पढ़े, तो सभी में लेखक तो होता है। लेकिन साथियों, इसकी ये विशेषता है कि ये जो ढोला मारूंगा दोहा नाम का जो प्रेमाख्यान है इसमें ये आदिकाल से कम 664 दोहों में इसका वर्णन किया गया है। ये पूरा एक महाकाव्य की तरह पूरा ग्रंथ है, लेकिन इसमें इसकी विशेषता ये है लेखक अज्ञात। जैसे जैसे ये प्रेमाख्यान आगे बढ़ता जाता है तो इस प्रेमाख्यान का जो लेखक है उसका व्यक्तित्व तो खत्म हो जाता है। साथियों, व्यक्तित्व तो यहाँ लेखक का व्यक्तित्व तो कुछ भी नहीं है, 0 पॉइंट पे है, क्योंकि अभी तक कोई भी पर्टिकुलर एक लेखक नहीं है जिसका नाम लिया जाए कि उसके माध्यम से ये दोहा बद्ध ढोला मारूंगा दोहा प्रेमाख्यान लिखा गया है। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि जरूर कोई लेखक रहा होगा जिसने ये दोहा बद्ध क्रम से इन चीज़ों को लिखा है, क्योंकि बिना लेखक के ये चीज़ें नहीं लिखी जाती है, हम सब जानते हैं। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या है, इसका कोई भी विद्वानों ने ऐसा माना है कि इसका लेखक जो है वो अज्ञात है, कहीं पर कोई भी नाम नहीं दिया गया है। तो लेखक के व्यक्तित्व का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ नहीं बताया गया है बच्चों, तो हम उस चीज़ की चिंता नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे देखना है। आगे चलते हैं पात्र, जैसे कि पात्रों में मुख्य पात्र जो दो हैं, नायिका का नाम है मारवाड़ी और नायक है इसमें ढोला। तो
किया गया था, तो उस विवाह के हो जाने के बाद में ये जो मारवाड़ी थी वो पूगल राज्य के राजा की बेटी थी, और ये भोला जो था ये नरवरगढ़ का रहने वाला था। साथियों यहाँ जो है इन दोनों की बचपन में अवधावस्था में जो शादी हुई थी उस शादी को ही माध्यम बनाया गया है। बच्चों जब ये दोनों बड़े जवान हो जाते हैं, यौवनावस्था में आ जाते हैं, तो इनकी यौवनावस्था जो है वो परिपक्व होने के बाद में मारवाड़ी जो है ना अपना संदेश जब उसको पता चलता है, एक दिन क्या होता है सपने में वो ढोला को देख लेती है, स्वप्न में सोते समय स्वप्न में ढोला को देख लेती है, और जब जैसे ही वो स्वप्न में ढोला को देखती है तो उसका मन बहुत ही उसके लिए तड़पने लगता है, विचलित होने लगता है। साथ ही उसी समय वो ये रट लगा लेती, क्योंकि पहले ना तो कोई फोन थे, ना कोई लेटर जाते थे, ना कुछ ऐसा था, पहले खुला वातावरण नहीं था बच्चों। तो मारवाड़ी जो है ना ढाटियों के माध्यम से, ढाटी मतलब रागीर, रागीर आप समझते हो, रागीर रास्ते में चलने वाला कोई भी व्यक्ति जो नरवरगढ़ की तरफ जाता हो उस हर व्यक्ति से ढोला के लिए संदेश भेजती थी कि ढाटी एक संदेश रही लग ढोला पहुंचाए, यानी मेरा एक संदेश है जो ढोला तक आप पहुंचा दो। क्या वो संदेश हर दोहे में तरह तरह से उसने बताया है कि अब मैं जवान हो गई हूँ, तुम मुझसे मिलो आके, अब मैं परिपक्व हो गई हूँ, मेरा यौवन फूल फल रहा है, तुम आते क्यों नहीं, इस तरह से उसने कई प्रकार के संदेश भेजे हैं दोहों के माध्यम से। आपको दोहों की व्याख्या करेंगे तब बताएंगे बच्चों, आपको बहुत शानदार पाठ है ये। तो इसमें जो है अन्य पात्र भी हैं, लेकिन अन्य पात्रों का इतना कुछ नहीं है, मुख्य पात्रों का ही जो घटनाक्रम है वो पूरा दोहों के माध्यम से इनके घूमता है, पूरी कहानी आपको बताई जाएगी प्रश्नों के माध्यम से। तो आप देखेंगे बच्चों जैसे कि इसमें जो है ना ढोला मारुरा दुहा, जैसा कि अभी बताया राजस्थानी भाषा का एक लोकप्रिय प्रेमाख्यान है, इसमें ढोला और मारवाड़ी के प्रेमाख्यान का चित्रण जो है दोहाबद्ध किया गया है। बच्चों इसमें जन जीवन और लोक मानस की सरल तथा कोमल भावनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। साथियों इसकी नायिका मारवाड़ी का विवाह जो मैंने अभी आपको बता दिया अवोधावस्था में हो गया था ढोला के साथ, ढोला नरवरगढ़ का रहने वाला है और मारवाड़ी पूगल के राज्य की रहने वाली है। साथियों मारवाड़ी के शरीर में यौवन का आगमन होते ही उसके हृदय में प्रेम की रागात्मक वृत्ति जागृत हो जाती है, एक प्रेम की कहते हैं ना प्रेम की जो रागात्मक वृत्ति जो हर व्यक्ति में अक्सर यौवनावस्था में हो जाती है, तो वही मारवाड़ी के हृदय में भी प्रेम की रागात्मक वृत्ति जागृत हो जाती है। साथियों और वह स्वप्न में प्रियतम ढोला को देखकर प्रियतम प्रेम में उत्कंठित बनी रहती है, और इसी कारण इसका मूल आधार क्या बताया गया है प्रेम तत्व, ठीक है, तो प्रेम तत्व इसका मूल आधार है। साथियों इसका रचयिता अज्ञात होने से रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव है, और ढोला मारुरा दुहा में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है टेक पदों की पुनरावृत्ति हुई है, लोक मानस के परंपरा के अनुसार इसमें मारवाड़ी के जो यौवनावस्था का जो चित्रण है वो बहुत ही संयोग और वियोग श्रृंगार के माध्यम से किया गया है। साथियों इसमें कुछ विद्वानों ने काव्य रचना और प्रवृत्ति के आधार पर इसे लोक गाथा कहना उचित समझा है। साथियों देखेंगे आगे हम आपको प्रश्न के माध्यम से आपको समझाएंगे, आगे हम ले चलते हैं आपको दूसरे प्रश्न पे चर्चा करते हैं प्रश्न की, देखेंगे आप आगे। बच्चों बात करते हैं प्रश्न की, प्रश्न है आपका ढोला मारुता दुहा काव्य लोक जीवन की सफल अभिव्यक्ति है, स्पष्ट कीजिए। क्या है ये ढोला मारुता दुहा लोक जीवन की सफल अभिव्यक्ति है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो साथियों इसमें पॉइंटों के माध्यम से हम आपको इसको स्पष्ट करवाएंगे, इसका
इसका अध्ययन कर पाएंगे। देखेंगे आप, पहले आंसर पर नजर डाल लेते हैं, आंसर में क्या दिया गया है। बच्चों, ढोला मारूरा दूहा काव्य से पहले प्रेम संबंधी काव्य न रहे हो ऐसा नहीं है। जैसे कि प्रेमाख्यान काव्य की प्राचीन परंपरा रही है साथियों, जिससे प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर रचयिताओं ने प्रेम संबंधी उद्गारों को अपने ढंग से सहज रूप से व्यक्त किया है। ढोला मारूरा दूहा लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथियों, प्रेम मानव हृदय का एक शाश्वत एवं व्यापक तत्व है, जो सदा ही अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता रहता है। बच्चों, ऋग्वेद में पुरुर्वा उर्वशी जिनकी प्रेम गाथाएं हैं बताएंगे आपको, यम यमी के संवादों में प्रेम का वर्णन बहुत पहले ही हो चुका है। साथियों, यह प्रेम भाव देश काल और परिस्थिति के अनुसार अभिव्यक्ति का भिन्न स्वरूप धारण कर सकता है। ऐसे काव्यों को प्रेमाख्यान कहा जाता है। बच्चों, प्रेमाख्यान काव्यों में प्रेमादर्श, संयोग वियोग आदि की कथानक रूढ़ियां भी रहती हैं। वेदों के बाद लौकिक संस्कृत साहित्य में, लौकिक मतलब सांसारिक, लौकिक संस्कृत साहित्य में साथियों नल दमयंती का नाम सुना होगा। नल दमयंती, उषा अनिरुद्ध, माधवानंद, कामकंदला आदि प्रेमाख्यान मिलते हैं। बच्चों, हिंदी में इसकी परंपरा राउल बेल के कवि रोडा ने आरंभ की। हिंदी में जो इसकी परंपरा स्टार्ट हुई है वो राउल बेल के कवि जो हैं रोडा ने आरंभ की और ढोला मारूंगा दूहा ने उसे विकसित किया। बच्चों, ढोला मारूंगा दूहा में इस प्रकार की सभी रचनाओं में प्रेम श्रृंगार का वर्णन रहा है और ढोला मारूंगा दूहा में केवल प्रेम संबंधी वर्णन ही है, वीर रस का वर्णन नहीं है। साथियों, हिंदी में कई प्रकार के प्रेमाख्यान मिलते हैं, जैसे कि दाम्पत्य परक प्रेमाख्यान, काम परक प्रेमाख्यान, संदेश परक और अध्यात्म परक प्रेमाख्यान लिखे गए हैं। तो इन सभी प्रेमाख्यानों को हमने दोहा मारूरा ढोला मारूरा दोहा के माध्यम से जाना है। तो हिंदी में जो भी प्रेमाख्यान हैं वो इसी प्रकार के हैं। अब देखते हैं कि आदिकाल में एक और तो युद्धों का वातावरण था उस समय, जिस समय ये ढोला मारूरा दोहा रचना की गई उस समय की बात हो रही है। बच्चों, एक तरफ तो युद्धों का वातावरण था और राजाओं के दरबार में रहने वाले कवि आश्रयदाता में जोश पैदा करने के लिए वीर रस की रचनाएं करते थे। तो साथियों, वे युद्धों का भी सजीव वर्णन करते थे। इसके विपरीत जनजीवन का चित्रण करने वाला काव्य भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साथियों, बसंत विलास में बसंत के स्त्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव का अंकन किया गया है और ढोला मारूंगा दूहा में लोक जीवन का चित्रण किया गया है। अब आप समझ गए होंगे, बसंत विलास जो है उसमें बसंत के प्रभाव जो स्त्रियों पर पड़े हैं उसका अंकन किया है और ढोला मारूंगा दूहा में लोक जीवन का चित्रण किया गया है। साथियों, इसमें राजस्थानी संस्कृति, रहन सहन, त्योहारों, प्राकृतिक वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार यह लोक गाथा है। साथियों, इसकी लोक गाथाओं के आधार पर यहाँ उन विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा रहा है जो इसे लोक गाथा सिद्ध करती है। तो आप उसमें से देखेंगे, सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका है रचयिता का अज्ञात होना। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि रचयिता कोई तो है जिसने इसको लिखा है, ऐसा तो नहीं कि अपने आप लिखा गया, लेकिन
अज्ञात है, अभी तक उसका नाम रोशनी में नहीं आया है या नाम उसका नहीं जाना गया है, तो ऐसा क्यों है? रचयिता अज्ञात क्यों है? उसका व्यक्तित्व जो है रचयिता का वो क्यों नहीं प्रकाश में आया अभी तक, उस पर चर्चा करते हैं बच्चों। तो देखेंगे आप साथियों, ढोला मारूरा दोहा में कब किसके द्वारा रचा गया यह निश्चित नहीं है। कुशल लाभ का नाम अवश्य लिया जाता है, कुशल लाभ जिसने इसमें परिवर्धन और विकास किया। बच्चों हीर राजा विजयमल, लोर की सोरठी, राजा भरथरी आदि लोक गाथाएं प्रसिद्ध हैं। पहले ये सारी लोक गाथाएं बहुत गा गा के सुनाई जाती थी रात्रि में, कहानियां और ये लोक गाथाएं लोग बड़े चाव से, बड़े राग से, बड़े भाव से इनको गाया करते थे और अन्य लोग सुना करते थे। जिस समय कोई दूरदर्शन टीवी वगैरह ये नहीं थे, उस समय की बात है बच्चों। तो उनके भी मूल रचनाकारों के नाम अज्ञात हैं। ऐसी रचनाएं आरंभ में भले ही किसी एक व्यक्ति द्वारा रची गई हों, किंतु गाई जाती रहने से उनके स्वरूप में परिवर्धन होता जाता है। साथियों उनमें लोक जीवन की और बातें जुड़ती जाती हैं और तब ऐसी रचनाएं लोक की रचनाएं हो जाती हैं। इनमें रचयिता का व्यक्तित्व तो लुप्त तो हो जाता है साथियों। इन सभी रचनाओं में रचयिता का जो व्यक्तित्व तो है वो लुप्त तो रहता है। इसके रचयिता रूप में देखा जाए तो कुशल लाभ के अतिरिक्त लूणकरण, खिड़िया, कवि कल्लोल का भी नाम लिया जाता है। कुशल लाभ के अलावा अतिरिक्त लूणकरण, खिड़िया और कवि कल्लोल का भी नाम लिया जाता है। साथियों जिन्होंने ढोला मारूरा दोहा में अपनी ओर से कुछ परिवर्तन किया है, इस प्रकार प्रस्तुत कृति के प्रस्तुत रूप को निर्मित करने में कई रचयिताओं का योग रहा है, जिसमें ये दो तीन नाम सामने आए हैं, कुशल लाभ, लूणकरण खिड़िया और कवि कल्लोल। तो साथियों यहाँ तक था कि रचयिता का अज्ञात होना, अज्ञात तो है लेकिन कुछ विद्वानों के माध्यम से ये पता चला है कि कुशल लाभ, लूणकरण खिड़िया और कवि कल्लोल का भी नाम इसमें आता है, जिन्होंने इसको समय समय पर आगे बढ़ाया है दोहों के माध्यम से। तो साथियों अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है आपका मौखिक प्रवृत्ति। मौखिक प्रवृत्ति मुंह से गाया जाना मौखिक प्रवृत्ति कहलाता है। तो बच्चों देखेंगे आप दूसरा पॉइंट, लोक गाथाएं मौखिक रूप से जनजीवन में लोगों द्वारा गाई जाती रहती हैं। इनमें जीवंतता इनके मौखिक रूप में विद्यमान रहने पर ही रहती है। साथियों जब का आप समझ सकते हैं, जैसे कि कबीरदास के दोहे, रहीम जी के दोहे जब मौखिकली गाए जाते रहे, इसीलिए हम सबको वो दोहे याद रह जाते हैं और अगर हम उनको गा के या इस तरह से पढ़ेंगे नहीं या गाते हुए नहीं सुनते हैं तो हमें याद भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ जो है लोक गाथाएं जो भी थी वो मौखिक रूप से गाई जाती रही हैं। साथियों विद्वान गूमर ने कहा है कि मौखिक परंपरा किसी गाथा की प्रधान कसौटी है, लिपिबद्ध करते ही इनका जीवनांत हो जाता है। और फ्रेक सिजविक ने लिखा है कि लोक गाथाओं को लिखना उन्हें मृत्यु के मुंह में डालना है। देखा, तो इन लोगों ने इस तरह की परिभाषा दी है, किसने? फ्रैंक सिजविक और एक है आपके विद्वान गूमर, इन दोनों ने इस प्रकार की परिभाषा दी है। साथियों ढोला मारूरा दोहा भी सैकड़ों वर्षों से मौखिक रूप से गाया जाता रहा है। मौखिक रूप में रहने से इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है।
इसके दोहे पीढ़ियों से गाए जाते रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको गाया जाता रहा है। तो साथियों अब हम बात करेंगे आपसे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है आपका, देखेंगे रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव। अभी तो रचयिता ज्ञात था, अब व्यक्तित्व का अभाव कैसे है, व्यक्तित्व का अभाव देखेंगे आप। बच्चों किसी एक कवि की ही रचना न होने, लिखित रूप में न रहने से लोक गाथा को उसके रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव रहता है। वह अपने बारे में या अपनी मान्यता प्रस्तुत न कर लोक जीवन का चित्रण करता है। साथियों अन्य रचनाओं में उन रचयिताओं का व्यक्तित्व झलकता रहता है, उनकी रचना की अपनी शैली होती है, लोकगाथा में रचयिता का व्यक्तित्व नहीं रहता। फ्रैंक सिजविक ने कहा है कि लोकगाथा का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुण या लक्षण उसकी व्यक्तित्वहीनता है। देखा, व्यक्तित्वहीनता जो कि आपको बताया गया है, रचयिता के व्यक्तित्व का अभाव, इसी की बात हो रही है। तो जो फ्रैंक सिजविक जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि लोकगाथा का सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ गुण या लक्षण कह सकते हैं उसकी व्यक्तित्वहीनता है। साथियों इनका कवि तो रचयिता रहा होगा, और किंतु बाद में परिवर्तन होते जाने से उस रचयिता का व्यक्तित्व लुप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है, ढोला मारूरा दोहा में भी रचयिता के व्यक्तित्व का सर्वथा अभाव रहा है। तो यहाँ व्यक्तित्व का अभाव बताया गया है, लेकिन कोई ना कोई दोहा लिखने वाला जो भी उस समय लोकगाथा को जिसने भी आगे बढ़ाया है, बच्चों कोई ना कोई तो रहा होगा रचयिता इसका, लेकिन उसका व्यक्तित्व लुप्त हो गया। समय आगे बढ़ता गया और उसका व्यक्तित्व लुप्त होता गया। देखेंगे आप चौथा पॉइंट, बात करते हैं चौथे पॉइंट की, स्थानीयता की प्रचुरता। पॉइंट नंबर 4, स्थानीयता की प्रचुरता। तो बात करेंगे स्थानीयता की प्रचुरता पे। बच्चों लोकगाथा जिस अंचल या क्षेत्र से संबद्ध होती है, उस क्षेत्र के लोक जीवन, लोक संस्कृति का उसमें चित्रण रहता है, उसमें वहाँ के रीत रिवाज, रहन सहन, खान पान, तीज त्योहारों, उत्सवों, पशु पक्षियों, नदी सरोवरों, पर्वतों और वनखंडों आदि का चित्रण रहता है। वहाँ के शकुन अपशकुन आदि का उल्लेख भी रहता है। साथियों ढोला मारूरा दूहा लोक गाथा है, इसमें राजस्थानी संस्कृति, रहन सहन, त्योहारों, पशु पक्षियों, रेत के टीवों, ऊंट डूंगरों, गहरे कुओं, कुरज सारस आदि पक्षियों का भी उल्लेख हुआ है। ये विशेषताएं ही स्पष्ट करती हैं बच्चों कि ढोला मारूरा दूहा में स्थानीयता की प्रचुरता है। इसमें स्थानीय रंगत जो है, जिसको लोकल कलर कहते हैं, इसमें स्थानीय रंगत है। तो साथियों ये हुई आपकी स्थानीयता की प्रचुरता। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 है आपका संदिग्ध ऐतिहासिकता। बच्चों ये जो नाम दिए हैं पूगल और नरवरगढ़, ये सभी ऐतिहासिक स्थान हैं, ठीक है, दोनों ही ऐतिहासिक स्थान हैं। तो पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, संदिग्ध ऐतिहासिकता। बच्चों लोकगाथा अन्य प्रकार की रचनाओं जैसी नहीं होती, इसीलिए उसमें आए हुए वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से सही हों यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि ढोला मारूरा दूहा में ढोला और मारवाड़ी के प्रेम की कथा है। ढोला ने दूसरा विवाह मालवणी से कर लिया था,
कैसे कर लिया था बच्चों, आप समझ सकते हैं, जब उसको पता नहीं था, घर वालों ने उसको बताया भी नहीं था कि उसका अवोधावस्था में बचपन में विवाह हो चुका है, ऐसा घर वालों ने उसको नहीं बताया था लूला को, और उसकी दूसरी शादी किससे कर दी, मालवड़ी से करवा दी। पहली शादी में थी मारवाड़ी और दूसरी में कौन थी, मालवड़ी। तो मालवड़ी से शादी हो गई, काफी टाइम बीत गया, लेकिन आगे क्या होता है देखेंगे, आपको बताएंगे। तो दूसरा विवाह मालवड़ी से कर दिया गया था। इस कृति में नल ढोला मारवाड़ी राजा पिंगल नल उमा देवड़ी आदि ऐतिहासिक पात्र हैं बच्चों, और नरवरगढ़ तथा पुंगल आदि ये सभी ऐतिहासिक स्थान हैं। इसके अन्य प्रसंग और घटनाएं काल्पनिक हैं, अप्रमाणिक हैं। इसमें मुख्य तो सुन सुनकर प्राप्त हुई बातों का वर्णन ही है, और इस प्रकार इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 6 की, विस्तृत कथानक पॉइंट नंबर 6। इसका कथानक किस प्रकार से विस्तृत है देखेंगे आप। तो बच्चों, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित ढोला मारूरा दुहा जो ग्रंथ है वो 674 दोहों में है। कितना है, 674 दोहों में, और अन्य हस्तलिखित प्रतियों में दोहों के अतिरिक्त सोरठे और चौपाइयाँ भी हैं। इस प्रकार ढोला मारूरा दुहा ग्रंथ बहुत बड़ा है। इसका कथानक महाकाव्य की तरह परिवर्तित विस्तृत है। बच्चों, मौखिक रूप में प्रस्तुत करने सुनाने गाने की परंपरा के कारण रचना के मूल रूप में कुछ नया अंश जुड़ता जाता है, उसमें छेपक जुड़ते जाते हैं, इस प्रकार कथानक बड़ा होता जाता है। तो इसका देखेंगे, इस प्रकार से विस्तृत कथानक हो गया है। अब हम बात करेंगे टेक पदों की पुनरावृत्ति, पॉइंट नंबर 7, टेक पदों की पुनरावृत्ति। किसी चीज का बार बार आना पुनरावृत्ति कहलाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बता दिया था आपको कि दोहों में हर दोहे की पहली लाइन सेम ही है सभी दोहों में, ठीक है। तो इसलिए उस टेक पद की बार 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 उसका आना पुनरावृत्ति कहलाता है, इसलिए पॉइंट आपका है टेक पदों की पुनरावृत्ति। देखेंगे आगे बच्चों, ढोला मारूरा दोहा की मौखिक रूप से गाए जाते रहने की परंपरा रही है, और इस कृति में टेक पदों की वैसी आवृत्ति नहीं है जैसी दूसरी लोक गाथाओं में रहती है। यह प्रेमाख्यान दोहों में रचा गया है, वे सब दोहे स्वतंत्र हैं और गेय हैं, गेय मतलब गाने योग्य हैं। साथियों, कुछ दोहों में प्रथम चरण की ही आवृत्ति कर दी गई है, जैसे ढाडी एक संदेशड़ो, ढाडी जय प्रियतम मिले, उत्तर आज सा उत्तरो आदि। यह रचना दोहा जैसे छोटे छंद में रचा गया होने से इसमें टेक पदों की आवृत्ति का अवसर नहीं मिला, और अन्य लोक गाथाओं में गेयता बनाए रखने से प्रभावोत्पादकता लाने टेक पदों की पुनरावृत्ति की गई है। तो बच्चों, ये बात हुई आपकी टेक पदों की पुनरावृत्ति की। अब बात करेंगे उपदेशात्मक अभाव, पॉइंट नंबर 8, उपदेशात्मक अभाव। तो साथियों, उपदेशात्मक अभाव कैसे रहा इसमें देखेंगे बच्चों। लोकगाथा काव्य कोई शिक्षा या उपदेश देने, समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य से नहीं रचे गए हैं। ये तो भावनाओं के तीव्र रूप में उमड़ने पर उनकी स्वतंत्र रूप में अभिव्यक्ति करने के प्रयास में बन गए हैं। साथियों, इसमें आदर्श नायक नायिका के प्रेम त्याग आदि का वर्णन मिलता है, जो सुनने वालों के हृदय को
आह्लादित करता है, भावुकता से भर देता है। तो साथियों, ये जो था आपका प्रेमाख्यान, जो दोहाबद्ध किया गया है इसका चित्रण, अभी जैसे आपको बताया था, यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे आगे, बात करेंगे आगे।